बिहार में हो गया खेल, तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। जेडीयू के 17 विधायकों से संपर्क टूटा। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी करेंगे बड़ा खेल। नीतीश की बढ़ी टेंशन, भाजपा नेता भी चिंतित। नीतीश कुमार के पलटने के बाद आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा था कि अभी भी खेला होना तो बाकी है, और वो खेला अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले कांग्रेस की तरफ से दावा किया जाता है कि उसके संपर्क में जेडीयू के 9 विधायक हैं, और उसके बाद आरजेडी की तरफ से यही दावा किया जाता है कि जेडीयू के 9 विधायक उसके भी संपर्क में हैं। लेकिन अभी जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें से जेडीयू के 17 विधायक संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। या तो उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है या उनका फोन स्विच ऑफ है। यानी यही वो विधायक है जो बिहार की सियासत में बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। बिहार में अभी और खेल होना बाकी है, और शायद ये खेल लालू प्रसाद यादव की ओर से खेला जाएगा। लालू यादव को इस बात की आशंका पहले से थी कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, इसीलिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखने की बात कही थी, और वही विधानसभा अध्यक्ष का पद अब लालू यादव के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। दरअसल अब जो कुछ भी होना है वो अवध बिहारी चौधरी ही करेंगे। अवध बिहारी चौधरी लालू के खासम खास है। ऐसे में बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश दिखाई दे रही है। इस बार लगता है नीतीश ने गलत फैसला ले लिया है, नहीं तो जब जब नीतीश ने पाला बदला तब तब नीतीश ही मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो महागठबंधन के साथ रहे हो या फिर एनडीए के साथ। लेकिन इस बार फैसला पलट सकता है। दरअसल 17 विधायकों का जो दावा हो रहा है वो तेजस्वी यादव की पत्नी की ओर से किया गया है। अपने एक्स हैंडल पर तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने एक पोस्ट कर सियासी हलचल को और बढ़ा दिया है। राजश्री ने लिखा है, नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए। वैसे तो 4 से 5 विधायक से ही काम चल जाता, लेकिन इधर तो आधी जेडीयू गायब हो गई। खेला होगा सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद किसी को नहीं पता। खबरें तो ये भी चल रही हैं कि लालू यादव के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं अवध बिहारी चौधरी। जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा आरजेडी खेल कर देगी, और इसी खेल को लेकर शायद नीतीश कुमार डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच गए थे, वो भी फ्लोर टेस्ट से पहले, क्योंकि नीतीश कुमार को भी मालूम है कि अब जो कुछ भी होगा वो मोदी जी ही कर पाएंगे। यानी बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दनोदर्पण न्यूज।